हेलो ऑल, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम सबको टॉप 5 ऐसे बुक्स के नाम बताऊंगा जिसे तुम्हें बायोलॉजी के लिए परचेज करने हैं अगर तुम सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। इन पांचों के पांचों बुक को आज ही जाके परचेज कर लो और अपने सिलेक्शन को 100% सिक्योर कर दो, क्योंकि ये बुक तुम्हारे पूरे नीट जर्नी में काम आएंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला तो तुम सबको पता ही होगा कि NCERT सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बायोलॉजी के लिए NCERT लेना मस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT से आते हैं। समझो कि 360 आउट ऑफ 360 तुम्हें स्कोर करना है तो तुम्हें बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनके जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जितने भी तुम्हारे अंदर NCERT के टॉपिक्स हैं, उसको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। तुम्हें NCERT को हाईलाइट करना पड़ेगा और जितने भी NCERT के लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसे तुम्हें अच्छे से कंप्लीट करके बनाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा टोटल 100% बायोलॉजी कम्प्लीट हो पाएगा। NCERT को परचेज करने के बाद जो सेकंड बुक है जो तुम्हें परचेज करनी है वो है NCERT एट योर फिंगर टिप्स, क्योंकि NCERT से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लाइन बाई लाइन NCERT फिंगर टिप्स में अवेलेबल होते हैं। कोई भी तुम टॉपिक्स पढ़ोगे तो वहां से तुम्हें क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। NCERT यूज करना थ्योरी पार्ट के लिए और जितने भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हैं NCERT एट योर फिंगर टिप्स से। NCERT फिंगर टिप्स में हर एक चैप्टर से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और सेक्शन होता है जिसे रीजन एंड असर्शन का सेक्शन बोलते हैं, वहां से तुम सब रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो NCERT के लाइन बाई लाइन के अकॉर्डिंग। इस बुक को जाकर तुम सब परचेज कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो थर्ड बुक तुम्हें परचेज करना है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये बुक NCERT ही द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है NCERT एग्जाम्पल और प्रॉब्लम। जी हाँ, उसे तुम NCERT का क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक बोल सकते हो जिसे NCERT खुद ही पब्लिश करता है, जिसकी प्राइस भी काफी लो होती है और इसमें जितने भी MCQ पोर्शन होते हैं NCERT से एक्सट्रैक्ट किए हुए वो दिए रहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए रहते हैं तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आउट ऑफ NCERT और आउट ऑफ NCERT के सिलेबस से होते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को देखोगे तो कुछ क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट हूबहू आए हुए हैं, इसलिए NCERT एग्जाम्पल और प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फोर्थ बुक तुम्हें परचेज करने हैं वो है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, यानी तुम्हें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अभी तक उन्हें तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए तुम सब परचेज कर सकते हो नीट के 35 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से तुम्हें ये भी आइडिया हो जाता है किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक पे तुम्हें कितने ज्यादा फोकस करने हैं। तुम कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम सब जाके परचेज कर सकते हो। चलो तो लास्ट एंड फिफ्थ वन वो है किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, या फिर तुम फिजिक्स वाला का मॉड्यूल ले लो, एलन का मॉड्यूल ले लो या कास का ले लो, लेकिन तुम्हें कोई भी एक कोचिंग का मॉड्यूल लेके उसे अच्छे से कंप्लीट करना है और तुम्हारे उसमें जितने भी डाउट्स हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। तुम पहले कोचिंग मॉड्यूल को ऑनलाइन टेलीग्राम से या फिर किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसके बाद तुम उसे कम्प्लीटली परचेज भी कर सकते हो। तो ये सारे पांचों बुक्स को तुम परचेज करके अपने नीट के प्रिपरेशन को 100% सिक्योर कर सकते हो। साथ ही साथ तुम सब बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हो। आज से ही लग जाओ अपने नीट के प्रिपरेशन में और बायोलॉजी में काफी अच्छा स्कोर करो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट डाउन करो कि तुम सब कौन कौन सा बुक्स को यूज करते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम पे जाके भी मैसेज कर सकते हो, मैं उसका श्योर शॉर्ट रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।